वेलकम टू द चैनल यास्टरडे क्लास। ओके एज यूजुअल पहला क्वेश्चन, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ओके फिर तो सारा एक्सप्लेनेशन करना है, पहले आपके लिए क्वेश्चन है आपकी स्टडी कैसी चल रही है, थोड़ा बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं? ओके मेमोरी टेक्निक याद हुई, मैनेजमेंट के जो हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए, आई यूजेस दैट कोर्स, 14 प्रिंसिपल की मेमोरी टेक्निक। ओके आज हम बात करेंगे, ये जो हमारे वीडियो नंबर 5 है या चैप्टर नंबर 2 की, आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में बात करी थी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, यस जल्दी आंसर करें, इट्स वेरी गुड, F.W. टाइलर, मतलब फ्रेडरिक विंस्लो टाइलर, फुल नेम बताया था। सो इस वीडियो में हम टाइलर के थ्रू दी गई टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल्स हमने देखे थे अपने पिछली वीडियो में, टेक्निक्स की बात करते हैं। तो टेक्निक्स है क्या आपके? टेक्निक्स है मैथड्स, कि भाई कैसे मैनेजमेंट करना है, उसके क्या मैथड्स बताए, क्या तरीके बताए। अब जो F.W. टाइलर थे वो साइंस से बिलोंग करते थे, उनके जितने भी टेक्निक्स है वो ना टेक्निकल है, मतलब साइंटिफिकली टेक्निक बेसिस पर। सो अब इसके लिए भी एक मेमोरी टेक्निक है, जैसे हमने मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग देखी थी, तो टेक्निक को इजीली मेमोराइज करने के रिगार्डिंग जो हमारी मेमोरी टेक्निक है वो है FM²TDS, यस FM²TDS। अब ये मेमोरी टेक्निक है क्या जनरली, सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो टेक्निक है मेमोरी टेक्निक ये क्या है। सो एज यू कैन सी मेमोरी टेक्निक है FM²TDS। सो अगर हम यहाँ F की बात करें तो F है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ओके इसको समझने से पहले जनरली हम यहाँ देखें, यहाँ कुछ लिखा है और ये है एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, याद है ना, डिवीजन ऑफ वर्क हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल, क्या करा था उसके अकॉर्डिंग, आप टोटल टास्क को क्या करो, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करो, फिर उस कहीं ना कहीं पर्टिकुलर जॉब्स को जो भी वेल डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके बीच असाइन करो, उनको अलॉट करो। तो ये जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप है, जो टेक्निक है F.W. टाइलर की, ये डिवीजन ऑफ वर्क दैट्स द प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्यूल, इसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब यहाँ पर F.W. टाइलर ने हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क को थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में बताया है। अब हेनरी फ्यूल ने सिर्फ ये बताया काम को बांट दो, अब यहाँ F.W. टाइलर ने बताया किस तरीके से बांटे, कितने पार्ट्स में बांटे मेनली। सो हियर इज अ सॉल्यूशन कि किसने पार्ट्स में बांटने है, कैसे बांटते हैं। तो F.W. टाइलर ने बड़ा लॉजिकली सोचा और ये चीज एनालाइज करी कि किसी भी कंपनी में मेन एक्टिविटीज क्या हो रही है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेन एक्टिविटी देखें इनिशियल पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट, मतलब उन्होंने दो एक्टिविटीज को फोकस करा, जहां से शुरुआत होती है काम कैसे करा जाएगा और जहां पर एंड वो चीज कहने में क्या हो रही है, एक फाइनल फॉर्म में आउटपुट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। तो इसी लॉजिक पर उन्होंने क्या करा, इस कॉन्सेप्ट में टेक्निक में बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे बांटा जाए, प्लानिंग को अलग करा जाए और प्रोडक्शन को अलग करा जाए। भाई हम क्या करें जनरली इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो प्लानिंग है वो हम सेपरेट कर दें प्रोडक्शन से, मतलब हम सोचने का काम तो अलग कर दें और करने का काम अलग कर दें, तो बड़ी आसानी हो गई कि जो करने वाले हैं उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लानिंग नहीं करनी उन्हें, उन्हें सारा का सारा जो कहीं ना कहीं डायरेक्शन है पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है उन्हें तैयार मिलेगा, सिर्फ उन्हें फोकस करना है प्रोडक्शन। तो यहाँ पर थिंकिंग और डूइंग में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर। अब जब ये मेन एक्टिविटीज है, मेजर एक्टिविटीज है, एक स्टार्टिंग है और दूसरी लास्ट है, एंड है, तो ये कहीं ना कहीं एक्टिविटीज बहुत अच्छे से परफॉर्म होने चाहिए। मैनेजमेंट ही तो है, टेक्निक है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग और मैनेजमेंट के इंश्योर करते हैं कि काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो हमारे F.W. टाइलर है फादर है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उन्होंने क्या कहा कि आप इन एक्टिविटीज को प्रॉपरली परफॉर्म करना चाह रहे हो तो आपको कम से कम मिनिमम 8 फॉरमैन चाहिए, कम से कम। अच्छा फॉरमैन का मतलब क्या है, एक्सपर्ट है, आपको कम से कम 8 एक्सपर्ट चाहिए मिनिमम, 4 प्लानिंग के अंदर 4 प्रोडक्शन के अंदर, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम डिपेंड करता है कंपनी के स्ट्रक्चर पर, उनके कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी पर, वो कितना कहीं ना कहीं एक्सपर्ट को हायर कर सकते, लेकिन मिनिमम आपको 8 चाहिए, 4 अंडर प्लानिंग एंड 4 अंडर प्रोडक्शन। सो प्लानिंग के अंदर जो हमें एक्सपर्ट चाहिए कौन कौन रहेंगे वो
पहले अगर बात करें टाइम एंड कॉस्ट प्लान, एज यू नो प्लानिंग का मतलब पहले डिसाइड कर लेना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, फ्यूचर के रिगार्डिंग एडवांस में डिसाइड कर लेगा। ओके, सो यहाँ पर टाइम एंड कॉस्ट प्लान का क्या काम रहेगा, ये पहले ही एस्टिमेशन लगा लेगा कि किसी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट इनकर्ड होगी, ताकि अच्छा ये बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है अपने काम में तो इससे पता है कि अगर प्रॉपरली यूज होगी रिसोर्स तो इतनी कॉस्ट आएगी, और अगर एम्प्लॉइज फुल्ली मतलब डेडिकेटेड होकर काम करेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा एवरेज में। तो पहले से क्या कर लेगा, एस्टिमेट कर लेगा और एक स्टैंडर्ड सेट कर लेगा इतना टाइम और इतनी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल बींग अ टीचर, हम भी एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर चैप्टर कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना, ठीक, क्योंकि हमारा टारगेट है कि भाई क्या है जनरली रिवीजन भी हो जाए एग्जाम से पहले, कोर्स भी कंप्लीट हो, तो पूरा का पूरा टाइम पहले सेट हो जाता है कि ये चैप्टर इतने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, चैप्टर इतने दिन। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ क्या होगा, ये जो एक्सपर्ट्स का काम रहेगा कि काम को करने में जितना टाइम और जितनी कीमत आ रही है, जितनी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, वो पहले ही एस्टिमेट कर ले और आसानी हो जाएगी प्रोडक्शन वालों को। वो अपने लेबर को अपने वर्कर्स को उसी के अकॉर्डिंग गाइड करेंगे कि भाई यहाँ पर कॉस्ट ओवर जा रही है एस्टिमेटेड से, स्टैंडर्ड से। अच्छा, वो रीजन अलग हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, वो कुछ फैक्टर्स जो है जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ता है, उनको इग्नोर करने के अलावा मतलब जो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे उसके अलावा इंश्योर करा जाएगा कि टाइम और कॉस्ट उतना ही लगे जितना पहले ही प्लान कर। ओके, सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम एंड कॉस्ट का, की क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि आगे जब प्रोडक्शन होगा, काम होगा, तो पर्टिकुलर काम करने में कितना टाइम और कितनी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। इसके बाद रूट क्लर्क, ये रूट क्लर्क क्या करेगा, देखिए ऐसे लो ये डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है, काम को डिवाइड कर दो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कैसे डिवाइड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, सेल्स अलग, परचेज अलग, फाइनेंस अलग, मार्केटिंग अलग एंड सो ऑन। अब यहाँ डिवीजन है, एक्सटेंशन है, लेकिन इसको बढ़ाया गया कैसे, अब ये रूट क्लर्क का ये काम है, ये इवैल्यूएट करेगा, एनालाइज करेगा कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के अंदर कितनी रिसोर्स की जरूरत होगी, पहले से ही एस्टिमेशन कि कंपनी का वर्कलोड इतना है, इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में कितनी वर्कफोर्स चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी कैपिटल चाहिए होगी, कितना फंड चाहिए होगा, सारा का सारा एनालाइज करेगा इन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में चाहिए होगी, रूट क्लर्क पहले से एस्टिमेशन लगा लेगा। ओके, इसके बाद इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, भाई इसके नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा किसको, जो आगे कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को कैरी करेंगे, मतलब प्रोडक्शन में जब जाएगा तो वर्कर्स को जो भी प्लांट करा है उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्ट करेगा कि कैसे काम करना है, प्लान के अकॉर्डिंग कैसे करें, आप प्लान के बियॉन्ड जा रहे हैं, इससे प्लान कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उनके रिगार्डिंग जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस है वो पास ओवर करेगा। ओके, अगर हम लास्ट एक्सपर्ट की बात करें जो हमें प्लानिंग के अंदर चाहिए, डिसिप्लिनेरियन, इनके नाम ऐसे हैं कि इनके नाम से काम पता चलता है। इस डिसिप्लिनेरियन का काम क्या है, टू एंश्योर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना। अच्छा, प्लानिंग के अंदर क्यों रखा गया, जब प्लानिंग की अगर हम स्पेसिफिक कैटेगरी में बात कर रहे हैं, सो वी नो कि जो प्लानिंग होती है कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा, अगर हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक कमेटी होती है, एक पैनल होता है, तो देखिए हर कोई अपने आप में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट है, अब वो वैसे जनरली एक्सपर्ट है, वैसे तो हर कोई अपने आप में वो जनरली है अपने फील्ड में, अब ये क्या होता है, बड़ी ईगो आ जाती है, मैं तो सब में ठीक कि मैं मेरे ओपिनियंस अच्छे हैं, मेरे आइडियाज अच्छे हैं, कोई अपने आप को दूसरे से कम इवेल्युएट नहीं करता। अब मान लीजिए जो प्लानर्स हैं वो किसी टॉपिक के ऊपर खुद ही लड़ पड़े, तो प्लानिंग तो दूर की बात है, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट इन डिसिप्लिन अराइज हो जाएगा, तो इस पर्सन का क्या काम है, ये डिसिप्लिन इंश्योर करेगा प्लानिंग लेवल पर भी और कहीं ना कहीं ओवरऑल। ओके, सो ये प्लानिंग के अंदर चार जो फॉर्मेल है उनके नाम और उनके काम बताए। नाउ अब प्लानिंग हो रही है तो प्रोडक्शन होगा हम आगे। ओके, अब प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जनरल इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कॉस्ट, सॉरी प्रोडक्शन फंक्शन, वहां पे प्रोडक्शन की डेफिनेशन, तो जनरली भी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन का मतलब जब हम क्या करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें तो सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, फिर क्या चाहिए, हमें असेट्स चाहिए, हमें मशीनरी चाहिए, हमें प्लांट चाहिए, लैंड चाहिए, इक्विपमेंट
इक्विपमेंट्स चाहिए। तो भाई ये सारी चीजें अरेंज करने की जिम्मेदारी जिस बंदे को दी जाती है उसका नाम है गैंग बॉस। ये रिस्पॉन्सिबल है कि जितने भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, मशीनरी, एसेट, जो भी डिफरेंट प्लांट चाहिए, मटेरियल चाहिए, इन सारी चीजों को जिससे प्रोडक्शन की शुरुआत होगी, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस इनिशिएट होगा, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अरेंज करेगा गैंग बॉस। ओके, चलिए गैंग बॉस ने अपना काम करा, उसने सारे के सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट जो थी जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हो सकता था वो सारी अरेंज हुई। अब स्पीड बॉस, इसका काम क्या है, ये इंश्योर करना कि काम अकॉर्डिंग टू द प्लान हो रहा है या नहीं। बट टाइम एंड कॉस्ट का वाले ने प्लानिंग के अंदर था, उसने जो भी एस्टिमेटेड टाइम लगाया था कि इतना प्रोडक्शन इतने टाइम के अंदर होना चाहिए, ये कंसाइनमेंट इतने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीड बॉस की कि एफिशिएंटली स्पीडली काम हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अब जो भी वर्कर्स है उनको इंस्ट्रक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं अगर वो तब भी सही से काम नहीं करे तो अपने लेवल पर या फिर अपने से हायर लेवल को कहीं ना कहीं ऑर्डर पास करेगा, उनको कहीं ना कहीं वी कैन से इफेक्टिव बनाने के लिए। नाउ इसके बाद रिपेयर बॉस, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मशीनरीज है ना तो उनको टाइम टू टाइम रिपेयर की जरूरत होती है। मान लो कहीं ना कहीं क्या है, जो भी स्क्रैप लाइफ है ना, जो आप डेप्रिसिएशन निकाल दो इतनी की मशीनरी लगी, इतना स्क्रैप लाइफ, तो लाइफ जो है वो एक्सपेक्टेड जितनी है उससे ज्यादा भी काम जब करेगी जब उसकी रिपेयर सही टाइम टू टाइम हो रही। ठीक, अगर आप रिपेयर नहीं कर रहे एक टाइम में अपने ऐसे खरीदे तो वक्त से पहले खराब हो जाएगी। तो इस रिपेयर बॉस का काम है ये इंश्योर करना कि अगर किसी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी चीज कहीं ना कहीं क्या डैमेज है तो उसको टाइमली रिपेयर करा। अच्छा देखिए, अगर आपने टाइमली रिपेयर नहीं कराया तो कंपनी को हो जाएगा कैपिटल लॉस, बड़ा नुकसान। तो इसीलिए आप इंश्योर करो कि टाइम टू टाइम आप खर्चा करते रहो, रिपेयर करते रहो, ताकि बड़े होने वाले नुकसान से बच सके। ऐसा भी हो सकता है मशीनरी खराब है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटली हार्म हो गया, वर्कर्स को इंजर्ड हो गए, एक तो आपका एम्प्लॉय भी कम हो गया, वर्कफोर्स भी कम हो गई, दूसरा आपके ऊपर कॉम्पनसेशन क्लेम कर दिया, कंपनी का तो नुकसान ही है ना। तो कंपनी इस चीज को इंश्योर करने के रिगार्डिंग कि प्रॉपरली मशीनरी काम कर रही है या नहीं, कोई एक्सीडेंटल चांसेस ना हो किसी भी एसेट में कहीं ना कहीं वी कैन से डिफॉल्ट की वजह से, तो इसीलिए एक्सपर्ट रखा जाता है, दैट इज रिपेयर बॉस। और लास्टली अगर हम बात करें प्रोडक्शन के अंदर तो है क्वालिटी इंस्पेक्टर। ये क्या करेगा, जो भी कुछ प्रोड्यूस हुए फिनिश गुड्स की क्वालिटी को चेक करेगा कि क्या जो प्रोडक्ट है वो कंपनी के बेंचमार्क उसके गुडविल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आपने कभी इस चीज पर गौर करा हो, कई हम ऐसे प्रोडक्ट खरीदे हैं जिसमें क्यूसी का टाइम लगा हुआ होता है, इट मीन्स क्वालिटी चेक, उनकी क्वालिटी चेक हो चुकी है, इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई क्वालिटी इंस्पेक्टर है, तभी वो कहता है क्यूसी क्वालिटी चेक 100% सर्टिफाइड 100% अप्रूव ऐसा लिखा हुआ देखते हैं तो ये क्या है, क्वालिटी को एश्योर करते हैं। ओके, तो ये जनरली प्लानिंग और प्रोडक्शन का डिफरेंशिएशन एफडब्ल्यू टैनर ने बताया कि कैसे हम इन दो मेजर एक्टिविटीज को डिफरेंशिएट करें और प्रॉपरली इनको कहीं ना कहीं कंप्लीट कराने के रिगार्डिंग कुछ एक्सपर्ट को हायर करें जो इंश्योर करें कि प्लानिंग प्रॉपरली होगी और प्रोडक्शन प्रॉपरली होगा। ओके, सो दैट इज अबाउट फंक्शनल फॉर्मेशन। जनरली ये जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है इसमें F M² है, तो हमने फर्स्ट एम की बात करी फंक्शनल फॉर्मेशन। ये ऐसी टेक्निक है इन टोटैलिटी सारे टेक्निक्स में जो थोड़ी डिटेल है, इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको फंक्शनल फॉर्मेशन अंडरस्टैंड करा रही हूँ। जो आगे की हमारे जो टेक्निक्स है उनका डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक तो बनता है, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल को कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जनरली जो भी कहीं ना कहीं आपकी क्वेरीज है, टाइम टू टाइम हम बोलते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, वो जरूर रेज करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।